चलिए अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से ही। अब घरेलू बिजली महंगी हो सकती है, 23% तक घरेलू बिजली महंगी होने के आसार हैं। विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव भी दाखिल कर दिया गया है। बिजली कंपनियों ने सोमवार को ये प्रस्ताव दाखिल किया है। बिजली दरों में 15.85% वृद्धि का प्रस्ताव दाखिल किया है बिजली कंपनियों ने, और अगर आयोग से स्वीकृति मिल जाती है तो आयोग से स्वीकृति के बाद 23% दरें बढ़ जाएंगी, तो एक बार फिर महंगाई की मार जनता पर पड़ेगी। लगातार जो है जनता महंगाई से त्रस्त है और इससे में एक बार फिर जनता के ऊपर महंगाई की मार। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता देवेंद्र का। देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, घरेलू बिजली महंगी हो सकती आसार हैं, लेकिन अगर बढ़ती है महंगाई, बिजली दरों में इजाफा होता है तो एक बार फिर जनता की जेब पर मार पड़ेगी। वैसे ही जनता त्रस्त है महंगाई से। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है वो है किसान। किसानों को किस तरीके से, एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को हम मुफ्त बिजली मुहैया कराएं या फिर एक लिमिटेड बिजली मुहैया कराएं। ऐसे बीच में चला था कि किसान को हम ऐसी बिजली जो है मुफ्त देंगे, इसके ऊपर अगर बिल जाता है तो उसको हम पैसों की भरपाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर बिजली महंगी होती है, वो भी 1 या 2% नहीं, पूरा 23% महंगी होने के चांसेस बताए जा रहे हैं, उसको किसानों पर कितना असर पड़ेगा ये तो किसान ही बता सकता है, क्योंकि किसानों को लेकर इतनी गरीबी वहां पर छाती चली जा रही है ये कोई कह नहीं सकता। आम जनमानस उसमें अस्त व्यस्त ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा तो वो है किसान। तो आपको बता दें कि विद्युत नियामक आयोग में ये प्रस्ताव बहुत जल्दी दाखिल हो चुका है, पर इसको पास होना बाकी है। वही बता दें कि बिजली कंपनियों को दाखिला प्रस्ताव करने के लगभग 15.85% वृद्धि का प्रस्ताव किया दाखिल, तो वही आयोग में भी इसकी स्वीकृति के बाद लगभग 23% जो बिजली की दर है वो बढ़ा दी जाएंगी अगर आयोग चाहेगा तो। तो वही किसानों की बिजली की महंगाई बढ़ने से कहीं ना कहीं किसानों की कमर पर जरूर असर पड़ेगा। और आपको बता दें बिजली की जो दरें हैं वो 18 से 23% वृद्धि होने का प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन आयोग इस पर वो 23% और बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वही कृषि बिजली की जो दर है वो 10 से 12% की वृद्धि करने के चांसेस में है, और उद्योग बिजली की जो दरें हैं वो 16% प्रस्ताव वृद्धि करने के चांसेस में है। यानी कुछ मिला के उद्योग जो छोटे लेवल के जो उद्योग चल रहे हैं उनको भी समस्याएं होने वाली है, जो किसान है उनको भी समस्याएं होने वाली है जी। जो घरेलू परिवार है उनको भी समस्याएं होने वाली है। यानी कुल मिला के सभी पर कुल मिला के थोड़ा थोड़ा जो वृद्धि जो बढ़ाई जा रही है 18%, 16%, 10 से 12%, ये सारी वृद्धियों की कहीं ना कहीं मार सब पर लगातार पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि जनता किस तरह से इसको संभालती है, किस तरह से रोकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब तक वृद्धियां बिजली की दरों पर कंफर्म नहीं हो जाता है, तो मोहर नहीं लग जाती है, तब तक अभी कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक मोहर नहीं लग जाती तब तक कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आसार जताए जा रहे हैं, जनता की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 23% बिजली महंगी हो सकती है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो जनता वाकई अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही जनता महंगाई की मार इतनी झेल रही है, और अब ऐसे में बिजली दरों में सीधा 23% का इजाफा होने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर पड़ गई होगी।